सत श्री अकाल प्यारे बच्चो, तुहाडा समा ज्यादा ना लैंदे होए मैं तुहानू ये दसना चाहनी हाँ कि जदों आपां तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की वर्कशीट्स की, तो कुछ बच्चों ने मैनू ये दसिया कि उन्होंने थोड़े जे कॉन्सैप्ट संकल्प क्लीयर नहीं है कि वह करवाए जान, इस करके मैं वर्कशीट का काम हजे इत्थे ओह करके करवावांगी। पर यह आप टॉपिक करने उस तो पहले ज़्यादा जरूरी ने। सो अज आप करांगे गुणज ते गुणनखंड की हुंदे ने, इहदे नाल रिलेटेड बेटे पैथ्स दे विच या एलओ एक्सरसाइजेस दे विच बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये तुहानू क्लीयर होना बहुत जरूरी है। उस तो पहला मैं सारे बच्चों नू ए एक रिक्वेस्ट करना चाहांगी कि डीडी पंजाबी का प्रोग्राम जरूर देखा करो, हर रोज देखना तुसी, कोई प्रोग्राम तुसी मिस नहीं करना। एक जेडे भी तुहाडे टीचर तुहानू एलओ एक्सरसाइजेस भेजदे ने उहनू तुसी हर रोज करना ही करना है। ते पीएएस नू लैके जिन्नियां भी तुहाडे कोल सब्जेक्ट वाइज वीडियोज आउंदियां, पीडीएफ फाइल्स आउंदियां, जिन्ना भी तुहाडे कोल मटीरियल पहुंचदा है उहनू जरूर करके अपने अपने इंचार्ज नू जरूर सेंड करया करो। आओ फिर आपां अज दा टॉपिक शुरू करदे आं। बच्चे देखो गुणज, पहला आपां गल करांगे गुणज दी। देखो मैं तुहानू औखी भाषा च नहीं समझाऊंगी, औखी भाषा तुहानू समझ नहीं आऊगी, मैं तुहानू थोड़ी ही भाषा दे विच समझाऊंगी ताकि तुहानू ईजीली समझ आ जाए। गुणज सिंपल जिहा तरीका है, मान लो मैं दो दे गुणज लिखने ने, तुहानू दो दे गुणज लिखण लई कहा जावे तां दो दा पहाड़ा ही लिख जांगे आपां। पहाड़ा मतलब पहाड़े नूं अगे वधाउणा, जिवें दो दो एक दो, दो दूनी चार, दो तीए छे, दो चौका अठ, जिन्ना मर्जी वधा लो। जे तुहानू चार गुणज लिखण लई कहा चार लिख दो, दस लिखण लई कहा दस लिख दो, कोई औखा। मैं तुहानू सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज दे विच समझाया बेटे, मैनूं पता है कि तुहानू औखी लगेगी लैंग्वेज जे मैं तुहानू किताब वाली भाषा समझाउण लगी, ठीक है। सिर्फ सिंपल जिहा तरीका है, जे गुणज दसे होण, गुणज हुंदे ने वी उसे संख्या दा पहाड़ा कि उहनू किन्ने मर्जी नंबरां नाल गुणा करके जिहड़ा वी गुणनफल आउंदा उह उहदे गुणज हुंदे ने, ठीक है। इदां ही जे मैं तुहानू कहां वी पंज दे बेटे छे, पंज अंक दे छे गुणज लिखो, तां सिंपल लिख दो, इक तो शुरू करके पंज एकम पंज, पंज दूनी दस, पंज तीए पंद्रह, पंज चौका वी, पंज पंज पच्ची, पंज छे इकत्ती, सिंपल। ये हो गए, ये तो हो गया गुणज। उम्मीद करते हैं कि इहदे विच तुहानू कुछ औखा लग्या नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हुण आ जाओ जी गुणनखंड ते, ये तुसीं ध्यान नाल समझना है। ये भी बेटे मैं तुहानू औखे तरीके नाल नहीं समझाऊंगी, सिर्फ थोड़ी सिंपल लैंग्वेज दे विच समझाऊंगी। देखो गुणनखंड की हुंदे ने, कोई भी संख्या आपां नूं दित्ती होवे, मैं लैके दिखाउणी आ तुहानू, ऐ नहीं पता लगना। जे मान लो मैं चार लै लिया, ठीक है, इस दे आपां गुणनखंड दसने ने। गुणनखंड जां की हुंदे ने कि चार जिहड़ा हैगा उह किहड़े किहड़े पहाड़े ते जाएगा, ठीक है, किहड़े किहड़े पहाड़े ते चार आउंदा है उह पहाड़ा, इहदा की होएगा गुणनखंड होएगा। इक मैं तुहानू तरीके नाल करके दिखाउणी आ, आपां इक कतारां लैणियां हुंदियां, एक तो आप सीधी कतार लैनी है, एक सारे मान लो ये चार बटन ने, चार नंबर दिता ना, चार बटन ने, आपां उह एक कतार दे विच भरना है, एक कतार दे विच एक लाइन, कतार मतलब लाइन, एक लाइन च किवें भरांगे, एक दो तीन चार हो गए एक लाइन च। जे तुहानूं कोई कहे कि दो कतारां दे विच चार बटनां नूं भरो तां ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬਟਨ ਭਰਨੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਤਾਰ ਇੱਕ, ਲਾਈਨ ਇੱਕ, ਲਾਈਨ ਦੋ, लाइन तीन, ठीक है। हुण देखो इत्थे आपां कर दईए, मान लो मैं एक इत्थे करता, एक इत्थे करता दो, हुण इत्थे मेरे तो दो बच गए, तां एक मैं इत्थे करता, एक इत्थे करता, ठीक है, बराबर होया नहीं इह। एक हुण कहणा आपां नूं कि चार लाइनां दे विच करो, हुण मैं कतार नहीं बेटे बारी बारी लिखूंगी, फिर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। जिवें पहली लाइन है, यह दूजी लाइन है, यह तीजी लाइन है, यह चौथी लाइन है, ठीक है। चार लाइनां दे विच चार बटन भरने ने, तां की कर दूंगा सारयां दे विच बराबर बराबर आ गया ना। हुण तुसीं देखो बेटे, जदों कतारां दे विच जिहड़ा आपां नूं संख्या दित्ती हुई है उन्नी संख्या दे बराबर बराबर हिस्से वंडे जाण, जिवें चार संख्या दित्ती सी आपां बटनां दे रूप दे विच बराबर बराबर कर लिया। देखो इहदे विच वी बराबर हो गया, तां इक्को ही लाइन सी इहदे विच, तां जिन्ने
मर्जी पा दो, ये भी सही है। हुण दो लाइनां सी, दोनों विच बराबर बराबर आ गए, दो इत्थे, ये भी ठीक है। हुण इहदे विच बराबर नहीं आया, पहली लाइन च तां दो बटन आ गए, दूजी च इक आ गया, तीजी च इक आ गया। या फिर जे इसे नूं इत्थे कर दिंदी वी दूजी च वी दो आ गए, पहली च वी दो आ गए, तीजी च कोई नहीं गया, ये तां गलत है। हर एक कतार दे विच, हर एक लाइन दे विच बराबर बराबर बटन भर के देखने ने तुसीं। ते इक हुण जिवें चार लाइनां बणियां सी, चारे लाइनां च इक इक आ गया, ये भी सही हो गया। जेड़े तां इक सारे लाइनां दे विच बराबर बराबर बटन आ जाण तां ओह हुंदे ने गुणनखंड। मान लो हुण मैं तुहानूं पहाड़ियां ते लैके चलदी हां, मैं तुहानूं कहा सी ना कोई भी संख्या दित्ती होवे उहदे गुणनखंड की हुंदे ने, जेड़े पहाड़े ते चला जावे। मान लो चार नंबर सी, चार केड़े केड़े पहाड़े ते जांदा है ओही उहदे गुणनखंड रहे। हुण आपां इत्थों देखिए, हुण आ इक है, इक कतार मतलब इक पहाड़ा, कतार इक मतलब इक कतार बनी रही, इक पहाड़ा मतलब इक दे पहाड़े ते चार जांदा ना, तां जिहड़ा हुण आपां चार दे गुणनखंड इत्थे लिख लैंदे आ। चार दे गुणनखंड केड़े केड़े ने, इक तां हो गया इक दे पहाड़े ते चार जांदा है, इक दा इक हो गया। हुण आपां दो कतारां बणाईआं सी, जाने कि दो दा टेबल, दो दे पहाड़े ते चार जांदा है, बराबर बराबर वंडिया गया, तो जा रहा है ना, जो बराबर बराबर हर लाइन च हो जाए तो दो दो भी यदा गुणनखंड हो गया। हुण आपां तीन कतारां बणाईआं सी, तीन मतलब तीन पहाड़, तीन दा पहाड़, तीन दे पहाड़े ते चार जांदा नहीं जांदा। जे तुहानूं पहाड़ा नहीं आउंदा तां बराबर बराबर वंड के देखो, देखो इस बराबर वंडिया नहीं ना गया किसी तरीके नाल। जे आपां उरे भी इक पा लैंदे, इत्थे भी इक पा लैंदे, थले दो कर लैंदे, किसी भी हालत च बराबर नहीं हो रहा, तां तीन दे पहाड़े च चार जांदा नहीं, तां उहदा गुणनखंड नहीं हैगा। इस तरह चार लाइनां लईआं सी, चार कतारां मतलब चार दा पहाड़ा, चार दे पहाड़े ते चार तां जाएगा ही जाएगा, तां चार भी आपां लिख लांगे। कहण दा मतलब कि जिहड़ी भी संख्या दे गुणनखंड कढ़ने होण तां उस संख्या नूं पहाड़ियां ते देखणा किहड़े किहड़े ते जांदे ने, तां उही जिहड़े जिहड़े पहाड़े ते चले जाणगे उही उही पहाड़े उहदा की होणगे गुणनखंड। इस तरह आपां बक्से बणा के भी देख सकदे हां, बॉक्स बणा के भी चैक कर सकदे हां। हांजी बच्चिओ, हुण आपां सत्त दी एग्जाम्पल लैंदे हां। आपां इत्थे सत्त दे गुणनखंड लिखणे ने। पहला तो देखो जदों भी आपां किसे भी नंबर दे गुणनखंड लिखणे होण तां इक तों लैके उही नंबर तक पहाड़े आपां नूं देखणे पैणगे, ठीक है। इक तां ओह तरीका है मैं तुहानूं दसदी हां, जिवें सत्त दा गुणनखंड लिखणे ने तां इक तों शुरू कर दो, इक दे पहाड़े ते सत्त जांदा तां इक उहदा गुणनखंड हो गया, ठीक है। इक हो गया, इक हो गया, दो दे पहाड़े ते सत्त जांदा नहीं जांदा, दो नहीं हैगा, तीन दे पहाड़े ते भी नहीं जांदा सत्त, चार दे ते भी नहीं जांदा, पंज दे ते भी नहीं जांदा, छे दे पहाड़े ते भी नहीं जांदा, सत्त दे पहाड़े ते जांदा। कोई भी नंबर है आपदे पहाड़े ते तां जाऊगा ही ना, तां इस नंबर दे दो ही गुणनखंड ने सिर्फ, इक ते सत्त, इक तां इक हो गया, इक सत्त हो गया, ठीक है। हुण जे कतारां नाल देखणा होवे बेटे, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना जिहड़ा इह कतारां नाल ही आउंदा तुहानूं पेपर दे विच, मैं तुहानूं समझाउणी आ। देखो जिन जिन्ने दा गुणनखंड कढ़ना होवे उन्नियां कतारां, उन्ने वारी उन्नियां कतारां बना लो। जिवें सत्त दे गुणनखंड कढ़ने ने तां पहलां इक लाइन, फिर दो लाइनां, फिर तीन लाइनां, फिर चार लाइनां। देखो मैं अलग अलग बक्से बना के पहलां इक कतार च भरने ने, फिर आपां दो लाइनां च भरने ने, फिर तीन च, फिर चार च, फिर पंज च, फिर छे च, फिर सत्त लाइनां दे विच आपां बटन भरने ने सत्त सत्त। समझ आ गई? देखो बराबर बराबर भरने ने आपां। देखो हुण इक लाइन दे विच भरने ने सत्त बटन, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿੱਕ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਸੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚ ਇਹ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ, ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਤਿੰਨ ਬਟਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੱਤ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਦੋ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ, ਹੋਏ ਨੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਨੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖਦੇ, ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੱਤ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ
5 6 7 हुण ये भी नहीं बराबर होए तो यह भी घट गया, चार दे भाड़े ते भी नहीं जाता, चार भी नहीं इहदा गुणन खांदा हैगा। हुण पंज दे भाड़े ते आ जाओ, पंज लाइना लैनियां बराबर बराबर लावांगे सत्त नूं, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं बराबर होए, ठीक है, तो पंज दे भाड़े ते भी नहीं जाता, पंज भी इहदा गुणन खंड है नहीं गा। हुण 6 लाइना लै लिया, 6 लाइना दे विच लावांगे 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं बराबर हुआ, पहली लाइन च 2 आ गए, दूजी च 1 1 1 आ रहे, बराबर है नहीं, तो ये भी नहीं है, ठीक है बेटे। उस तो बाद आ गया आप 7 लाइन वाला लैनी, मतलब 7 के पहाड़े से जेड़ा भी कोई नंबर होगा उसके नंबर से तो जाऊंगे ही ना आपके पे टेबल से, तो यह तो सौखा ही है सारे जी की काम, ठीक है, तो यह गुणनखंड हो गया। यहाँ मतलब जो 7 के गुणनखंड ने, एक तो 1 है तो 1 7। उम्मीद करती हाँ कि थोड़ा यह कतारा वाला भी समझ आ गया होगा, तो पहाड़े पढ़ के देखने का भी समझ आ गया होगा। तो एक गल बेटे हमेशा गुणनखंड याद रखनी है कि कोई एक जड़ा हुंदा ना अंक वह सारे नंबर का गुणनखंड हुंदा ही है, मतलब भी एक दे पहाड़े तो सारे नंबर जाते ही ने ना, जिन्ना मर्जी आप पहाड़ा पढ़ लीए एक दे पहाड़े तो सारे नंबर जाएंगे, तो एक हैगा वह हर एक का गुणनखंड हुंदा, हर नंबर का गुणनखंड हुंदा एक, तो एक का एक हो गया गुणनखंड, हर एक का एक जेड़ा नंबर आपां नूं दित्ता होवे वह आप ही आपका गुणनखंड हुंदा ही हुंदा, यह पक्की गल है। हुण जिवें सत्त दित्ता सी, तां सत्त अपना तां गुणनखंड हैगा ही है, सत्त दे पहाड़े ते सत्त तां जाऊगा ही ना, इस तरह 20 दे पहाड़े ते 20 जाऊगा, 100 दे पहाड़े ते 100 जाऊगा, 525 दे पहाड़े ते 525 जाऊगा, एक तां एक सारिआं दा गुणनखंड होगा, एक उह संख्या जिहड़ी दित्ती हुई आपां नूं उही आपदी गुणनखंड भी होगी, क्योंकि कोई भी संख्या आपदे पहाड़े ते तां उह जाऊगी ही जाऊगी। समझ आ गई बेटे, मैनूं उम्मीद है पूरी कि तुहानूं गुणज ते गुणनखंड का जिहड़ा हैगा इह समझ आ गया होएगा। अज लई इन्ना ही, थैंक यू।